शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा पिंकी, स्टुपिड, नॉट यू यार, स्टुपिड। मैं यहाँ पर हूँ तो फोन पर बात करिए। यार, he's troubling me, you know. No, मुझसे बात करिए। Here you are, your favorite coffee and your chocolate biscuits. Have them. हाँ, ठीक। Thank you, Papa. God bless you, बेटे। ये लो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी आ गए। Come, come, come. अरे तुम लोगों के अपने घर में धरती नहीं है क्या? चले आते फ्री चाय और समोसे के चक्कर में। पता नहीं काजल बिटिया की आने की खबर किसने कर दी आप लोगों को। मुझे क्यों घूर रही हूँ, मैंने थोड़ी बुलाया इनको। अरे मैं क्यों, मैंने बुलाया आपको, मैंने बुलाया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। काजल तुम्हारी बड़े सही वक्त पर हो, हमारे कॉलेज का गोल्डन जुबली फेस्टिवल हो रहा है। हाँ काजल, बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और हम वो पुराना वाला प्ले करने वाले हैं, मालूम है? और इस प्ले को तुम ही डायरेक्ट करोगी? नहीं नहीं, मुझे इस चक्कर में मत प्लीज। कौन डाल रहा है चक्कर में? देखो काजल के पास टाइम नहीं है कोई प्ले की बातें करना। क्या प्ले? वही प्ले क्या जिसमें इसको कुत्ते की तरह पड़ी थी? मोहब्बत और खुदा। काजल यू हैव टू डू इट, बी अ स्पॉट प्लीज। कम ऑन काजल, डू इट। गारत हुई होंठ जिन्हें चूमने की सजा मौत है। मौत तो इनाम होती है मधु, सजा तो वो होती है जो जो। स्वीटी लाइन तो बताना यार। ये क्या कर रहा है तू कमल? याद है जब राज ये लाइन बोलता था तो कलेजा निकल आता था। अगर हमारे बीच राज होता तो आज प्ले कर। अगर ऐसी बात है तो लो मैं हाजिर हूँ। अरे राज, तुम यहाँ कैसे? बोलो बोलो, तुमको मैंने बुलाया। बोलो, तुम्हीं तो बुलाया मुझे। मैंने बुलाया। अरे राज, वो जरा लास्ट वाला सीन करके तो बताना। अब कहा, मैं थका आ रहा आया हूँ। अब ज्यादा भाव मत खाना हा? काजल को भी कंपनी हो जाएगी। कम ऑन प्लीज, प्लीज डू इट यार राज। ओके फाइन, कम। यस, ये हुई ना बात राज, कम ऑन स्टार्ट एक्शन। ए मोहब्बत के फरिश्ते, तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी मैं कैसे भूलूंगी? पतंगे की क्या कुर्बानी होती है, ये तो शम्मा की मेहरबानी है कि मरने से पहले उसे अपने रोशन होठों से चूमती है। गारत हुई है होंठ कि जिन्हें चूमने की सजा मौत है। सजा वो नहीं होती, सजा तो वो होती है जब इन होठों से दूर रहकर जीना पड़ता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, नहीं अरे ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी भी सिर्फ एक ही बार मिलती है। क्यों हम इसे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता काजल। बहुत प्यार करता हूँ काजल। काजल रुक जाओ काजल, सच्चाई से कब तक और कहां तक भागती रहोगी? नजरें बदल गई हैं तुम्हारी, मन बदल गया है, सीमा लांग रहे हो तुम। ये पाप है राज। ये पाप नहीं काजल, प्यार है। राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काजल, और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। बस करो राज बस, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? ऐसी बात निकाली कैसे तुमने मुँह से जो नामुमकिन है? क्यों नामुमकिन है काजल, क्यों? क्योंकि मैं सिंघानिया परिवार की बहू हूँ और मैं इस परिवार की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। अब तक मुझे सिर्फ यही लगता था कि मेरी वजह से इनके बेटे का जीवन गया है। अब तुम चाहते हो कि मेरी वजह से इनकी बेटी की भी जिंदगी तबाह हो जाए? काजल मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। राज तुम अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने जिया के साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो याद रखना मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। काजल। जिया? जिया? हाय। तुम कब आई? क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और काजल तुम्हारे बारे। क्या है ना कि सगाई को सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मैंने सोचा यहाँ आकर खुद भाभी को साथ ले जाऊं। नैनीताल फोन किया तो पता चला आप भी यहाँ पे हैं।
और यहाँ आई तो पता चला बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरी बहन, तुम बड़े सही वक्त पर आई हो। पर भाभी, आपके तो हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहो तो फिलहाल ये सगाई रुकवा दे। नहीं, सगाई उसी दिन होगी जिस दिन का मुहूर्त निकला है, और बड़े धूमधाम से होगी। तू चल जिया। काजल का ये हाल देखकर हमारा तो कलेजा फटता है बेटी, पर करें तो क्या करें? उदासी का कोई इलाज भी तो नहीं होता? होता है अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। आप काजल भाभी की फिर से शादी क्यों नहीं कर देते? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हमारा समाज आज भी विधवाओं की शादी को सम्मान नहीं देता, और जो लड़की एक बार सात फेरे ले चुकी हो उसके लिए कोई अच्छा लड़का भी तो नहीं मिलता। ये जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं एक बहुत अच्छे घर का लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। आप बस मुझे एक बार कह दीजिए कि आपको कोई एतराज नहीं। लेकिन बेटी, तुम हमारी बेटी के लिए खुशियां लाओगी तो हमें एतराज कैसे हो सकता है? बस तो फिर बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैंने तो काजल भाभी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का सोच भी रखा है। हेलो। हेलो। ओ हाय जिया, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मोंटी, तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुमने अपनी शादी का सूट बनवा कर रखा है? हाँ बिल्कुल। बस उसको ड्राई क्लीन करवा लो, उसको पहनने का टाइम आ गया है। Really? सच कह रही हो तुम? उछलो मत एक्सक्यूजी, जो कहा है वो करो। ओके, बाय। बाय। भाभी। अरे जिया तुम? भाभी देखो तो ये जोड़ा कैसा है? बहुत सुंदर है, जैसी हमारी जिया। बातें बहुत मीठी करती हैं आप। बस तुझे देखकर मुंह में मिठास आ जाती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। एनीवे, आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए। ये तो क्या कह रही है, तू पागल तो नहीं हो गई? मैं विधवा हूँ जिया, मैं ये जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? किस जमाने की बातें कर रही हैं आप भाभी, ये सब पुरानी और बेकार की बातें हैं। जो भी हो, समाज कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। आपको मेरी खुशी देखनी है या समाज की? तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर डालू जिया। तो बस आप ये जोड़ा पहनकर जरूर आएंगी, और यही नहीं, आज तो सगाई की अंगूठी भी मैं आपके हाथ से ही लूंगी भाभी। नहीं देख, देख तू मुझे मजबूर मत कर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप मुझे अच्छी तरह से जानती है ना भाभी? राम सिंह ले जाओ। राम राम राम, क्या घोर कलयुग आ गया है। हाँ बुआ जी, देखो तो सही, क्या सज धज के आई है। आज के जमाने में धर्म कर्म का तो कुछ रहा ही नहीं। वही तो है ये करण की विधवा। क्या तो नाम है इसका? जी काजल नाम है इनका, और हाँ ये वही है। लेकिन आप लोगों को क्या कहना है, खुलकर कहिए ना। कहना क्या है बेटी, इतनी सज धज इसको शोभा नहीं देती। अभी दिन ही कितने हुए पति को मरे। ये तो सही कहा आप लोगों ने, लेकिन आपका भी तो बेटा मर गया था पिछले साल, और कविता तुम्हारी बहन भी तो मर गई थी, और मिसेस खन्ना के तो डैडी ही नहीं रहे। लेकिन आप लोग तो बड़ी सज धज के आई हैं। वो बात नहीं है बेटी, विधवा के जीवन के नियम अलग होते हैं, यही तो हमारे समाज की परंपरा है। ओह आई सी, बड़े दोगले किस्म के नियम है आप लोगों के। अगर बाप मर जाए, बेटा मर जाए, भाई मर जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर पति मर जाए तो सफेद लिबास पहन लेना चाहिए। क्यों, मैं पूछती हूँ, क्यों ये नियम लागू होते सिर्फ हम औरतों पर, मर्दों पर क्यों नहीं? क्यों नहीं पहन के घूमते ये मर्द सफेद लिबास? वाह रे मेरे देश की परंपरा। चलिए
अगर यही बात है तो आज से काजल भाभी विधवा नहीं, हम उनकी दूसरी शादी करवा देंगे। राम सिंह, मोंटी आओ मेरे साथ, पहना दो एक दूसरे को अंगूठी। ये तो क्या कह रही है जिया, सगाई तो तुम्हारी और राज की होनी चाहिए। होगी, लेकिन पहले बड़ी बेटी की तो हो जाए, राइट पापा? बिल्कुल ठीक बेटा। काजल, तुम हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी हो, और इसी नाते हमने समझा कि इसी में तुम्हारी भलाई है बेटी। हाँ बेटी, अभी तो सारी उम्र पड़ी है तुम्हारे सामने, और हम तो शुक्रगुजार हैं सिंघानिया साहब के और इनके इस नेक ख्याल के। बेटे, ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? किसी ने मुझसे भी पूछा है कि क्या मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ? क्यों भाभी, मोंटी में कोई कमी है क्या? जिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ मैं, तुम्हें मेरे होने वाले पति राज से प्यार है। बस जिया प्लीज। हाँ काजल, क्या मैं पूछ सकती हूँ किस अधिकार से तुमने राज को अपने मरने का वास्ता दिया ताकि वो मुझसे शादी कर ले? और वो क्या वजह थी कि राज ये शादी करने के लिए तैयार हो गया? सब जानती हूँ मैं, सब सुन चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी कि तुम शादी मुझसे करो और प्यार इससे। बस बस करो जिया, बस करो, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, अगर तू चाहती है तो मुझे ये शादी मंजूर है। मोंटी, मोंटी हाथ आगे करो, पहनाओ मुझे अंगूठी। रुक जाओ, enough is enough। होश में आओ काजल, किसी और की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। क्यों क्यों, दूसरी शादी करने से क्या जिंदगी बर्बाद हो जाती है? क्यों रोक रहे हो तुम इसकी शादी? क्या लगती है ये तुम्हारी, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि तुम्हें बीवी भी मिल जाए, रखेल भी बनी रहे? तुम जानना चाहती हो मेरी क्या लगती है? जानना चाहती हो? Anybody has problems? कुछ बोलना आंटी जी? हाँ बोलो। राज, यही तो मैं चाहती थी, यही, इसीलिए मैंने मोंटी के साथ इस सगाई का झूठा नाटक रचा ताकि तुम सबके सामने खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर सको। मैं तुम्हारे कंधे का बोझ नहीं बल्कि तुम्हारे पंख बनना चाहती हूँ जो तुम्हें ऊंची आजाद उड़ान पर ले जाए। जिया, बहुत बड़ी हो गई है तुम। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत गलत। I'm sorry कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना राज, अनजाने में ही सही, बहुत दिल दुखा मैंने काजल का। काजल मुझे माफ कर देना।